नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको रेडी वाला आईपीओ का अलॉटमेंट का जो स्टेटस है कैसे देखने को मिलेगा और कहां देखने को मिलेगा, इसका रजिस्ट्रार क्या रहने वाला है और इसे आप किन किन साइटों से चेक कर सकते हैं और कितने बजे तक इसका अलॉटमेंट अटता हुआ दिखेगा, इन सारी चीज़ों को बड़े विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें और दोस्तों यदि आपने साइट पर अप्लाई किया है तो आपके अनुसार कितने का जीएमपी देखने को मिल रहा है और आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, इन सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी उस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रेडियो वाला नेटवर्क आईपीओ के अलॉटमेंट के विषय में, तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे जानने से पहले कुछ आपका डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं जो दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको देखने को मिले इस आईपीओ केस में कि इसका जो आईपीओ मार्केट में आपको 27 मार्च से शुरू होकर आपको 2 अप्रैल के बीच आता हुआ दिखा होगा और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो अलॉटमेंट का जो डेट है आपको 3 अप्रैल के दिन होता हुआ दिखेगा, जो कि आपको बुधवार का दिन रहने वाला है। और दोस्तों यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता है ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण, तो आपको जो पैसे हैं 4 अप्रैल के दिन आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों बात करें इस आईपीओ में केस में, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आपको जो यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो आपको जो शेयर हैं आपके डीमैट अकाउंट में 4 अप्रैल के दिन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है दोस्तों, आपको देख सकते हैं कि आपको 5 अप्रैल का दिन होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये तो इसका हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इसके रजिस्ट्रार के रिगार्डिंग, दोस्तों बात करें दोस्तों मार्केट में आपको कोई भी आपका रजिस्ट्रार है दोस्तों, कोई ना कोई आपका एक रजिस्ट्रार रहता है आईपीओ केस में। तो दोस्तों इस आईपीओ केस में जो आपका रजिस्ट्रार रहने वाला है, आप देख सकते हैं कि मथीशाला आईपीओ इसका जो आपका तो देख सकते हैं जैसे आपका क्या है मथीशाला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका क्या इसका रजिस्ट्रार है। तो दोस्तों चलिए पहले इसका जो यदि आप इसमें अप्लाई किए हुए हैं तो कितने बंदों में से कितने बंदों का जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है देखने को मिलेगा, आपको इसमें अलॉटमेंट का चांसेस क्या देखने को मिल रहे हैं उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको देखने को मिला इसका जो आईपीओ आपको ओवरऑल आपको 360 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, 307 टाइम्स, तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इसमें बड़े प्लेयर को, तो देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टमेंट ने आपको 1 टाइम सब्सक्राइब किया है और आपका मार्केट ने भी आपको इस आईपीओ को 1 टाइम सब्सक्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करें इसमें देख सकते हैं कि QIB ने इस आईपीओ को लगभग आपको 88 टाइम सब्सक्राइब किया है और देख सकते हैं कि HNI ने इस आईपीओ को 491 टाइम सब्सक्राइब करते हुए नजर आ रहा है। और इनके तरफ से देख सकते हैं कि आपको 992 करोड़ और QIB की तरफ से 236 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों बात करें आपका रिटेल ने भी इस आई में आपका मतलब पीछे नहीं है, ये भी आपको काफ़ी अच्छा आपको सब्सक्राइब करता हुआ नजर आ रहा है। और इनकी तरफ से देख सकते हैं कि 353 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है और इनकी तरफ से आपको 1661 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आप इसमें अलॉटमेंट, जैसे कि आप इसमें देखने को मिल रहा है कि इसमें क्या सब्सक्रिप्शन डाटा निकल के आया है। अब दोस्तों बात करें इसमें अलॉटमेंट के चांसेस के रिगार्डिंग, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों किसी आपको देखते हैं कि 355 बंदे के अराउंड इसमें से किसी एक बंदे को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोस्तों जब आपका डाटा पूरा फाइनलाइज हो जाएगा तो आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा मान के चलिए कि आपको 350 से 355 बंदों में से किसी एक बंदे को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं इसमें जो अलॉटमेंट के जो चांसेस है काफ़ी आपको टफ होने वाला है। तो दोस्तों ये तो बात करें इसमें आपको, ये तो हो गया आपके सब्सक्रिप्शन डाटा रिगार्डिंग और आपको अलॉटमेंट के चांसेस के रिगार्डिंग। अब चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि यदि आप इसमें आईपीओ में अप्लाई किए हुए हैं तो आपका जीएमपी क्या चल रहा है और अभी के अनुसार आपको कितने का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बात करें रेडियो वाला आईपीओ को जेएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने को जेएमपी आपको देख सकते हैं कि 38 रुपीज़ से ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इस आईपीओ का जो ऑफर प्राइस बन रहा है 76 रुपीज़ का, दोनों को ऐड करने के बाद 114 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात की तो अराउंड आपको 50% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके जेएमपी की बात करें तो इसका जेएमपी देख सकते हैं कि 43 रुपीज़ का इसने हाई लगाता हुआ दिखा है, वहीं इसकी लोवे जेएमपी की बात करें तो इसने आपका 0 रुपीज़ का लो भी लगाता हुआ दिखा है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। बात करें इसके जेएमपी के हिस्ट्री पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले से जो इसका जेएमपी है देख सकते हैं कि पहले 0 पर ट्रेड करते हुआ दिख रहा था, फिर 0 के बाद इसने 30 रुपये का इसने हाई लगाया, फिर 30 रुपये के बाद देख सकते हैं कि 30 रुपये, फिर 42, फिर 42 के बाद देख सकते हैं कि 43 रुपये इसने हाई लगाया। और इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत दिन 42 पे ट्रेड करने के बाद आपको इसमें गिरावट देखने को मिली और करंटली आप देख सकते हैं कि 43 के बाद इसमें आपको 38 पे ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप इस आईपीओ केस में देख सकते हैं, तो दोस्तों ये तो हो गया इसका जेएमपी और जेएमपी के अनुसार आपको मिलने वाला प्रॉफिट। अब दोस्तों बात करें इसके अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, चले जो इसका जो आपका रजिस्ट्रार रहने वाला है उसके रजिस्ट्रार के साइड पर आपको लेकर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें चेक करके दिखाते हैं कि आपका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है कैसे चेक कर सकते हैं और कहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस पर क्लिक करके अपना जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ऐसे थोड़ा भी कुछ वैल्यूएबल पॉइंट देखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसका जो आपका रजिस्ट्रार है मसीथला उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको इसमें लेके आ गए हैं। दोस्तों आपको इसमें लेके आने के बाद इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें अलग अलग आपको ऑप्शन शो कर रहा है जिसका आप तरीके से अपना जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड नंबर हो गया, एप्लीकेशन नंबर हो गया और आपका डीमेट अकाउंट नंबर हो गया जो कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आप इसमें पैन कार्ड नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्यों दोस्तों बोल रहा हूँ पैन कार्ड नंबर, क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड नंबर काफ़ी ईजी होता है और कितने बंदों को तो याद भी रहता है और इजी आप काफ़ी इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, कंपनी का नाम इसमें सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं कि कंपनी का नाम मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो देख सकते हैं कि इसमें कंपनी का नाम अभी आया नहीं है, तो मैंने अभी के लिए कोई भी एक नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको पैन कार्ड नंबर फिल कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा आपको वैल्यूएबल पॉइंट देखने को मिले या आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।